फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। अगर आपने ध्यान दिया होगा, बागी 2 का फर्स्ट डे का कलेक्शंस का जो भी एस्टीमेट्स था, जो प्रेडिक्शंस था, सभी के सभी क्रिटिक्स का गलत आया था। ध्यान दिया होगा तो मेरा भी गलत आया था। दूसरे दिन की अगर बात करें, दूसरे दिन भी 20-21 करोड़ बताया जा रहा है। पहले 17-18 करोड़ लोग कह रहे थे, पहले 15-16 करोड़ कह रहे थे। मैं खुद 15-17 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था। मेरा प्रेडिक्शन पूरी तरह रॉन्ग हो रहा है। वो क्यों रॉन्ग हो रहा है, दो दिन से क्यों बाकी 2 के ही प्रेडिक्शन रॉन्ग हो रहे, कलेक्शन के क्या रीजन है, इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहली बात साफ साफ आपको ये बता दूं कि जो भी ज्यादातर जो प्रेडिक्शन आते हैं कि भैया आज ये फिल्म 10 करोड़ करेगी, आज ये 12 करोड़ करेगी, वो मल्टीप्लेक्सेस के सैंपल से आते हैं। यानी कि मल्टीप्लेक्सेस में किस तरह की ऑडियंस जा रही है, जो ऑडियंस जा रही है उसका उसका काउंट पता चल जाता है। यानी कि मल्टीप्लेक्सेस में चाहे आईनक्स हो, पीवीआर, जो भी थिएटर्स हो ऑल ओवर इंडिया में, इन सब मल्टीप्लेक्सेस थिएटर जहां दो दो तीन तीन फिल्म लगे थे, यहाँ पे ऑडियंस का काउंट पता चल जाता है। राइट, मोस्टली ऑनलाइन बुकिंग होती है, उस तरह से ऑडियंस का काउंट पता चल जाता है। तो उस हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि इस रेंज में कितने कलेक्शन हो सकते हैं, तो उससे पता चलता है। लेकिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में कितनी ऑडियंस जाती है किसी को पता नहीं। सिंगल थिएटर्स के प्राइस भी कम होते हैं, लेकिन इन सिंगल स्क्रीन्स के जो थिएटर्स होते हैं, जो शहरों में ज्यादा नहीं होते, कुछ ही जो बहुत पुराने बहुत अच्छे, वो चल जा रहा है। तो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स कहीं ना कहीं बंद होते जा रहे हैं, वैसा सीन है। लेकिन जो सेकंड टायर सिटी होती है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी सिटी नहीं, थोड़ी छोटी सिटी या फिर उतनी डेवलप सिटी नहीं, या फिर थर्ड टायर सिटी, यानी सिटीज भी ऐसे डिवाइड होती ऐसे ऐसे लेवल से, जो छोटी सिटीज होती है या फिर जो गाँव देहात में जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे गाँव के जिले वाले में जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो जो सिंगल स्क्रीन होते हैं, तो वहां पे किस तरह की ऑडियंस जा रही है, वहां पे कितनी ऑडियंस जा रही है, इसका अता पता बिल्कुल नहीं चलता है किसी भी क्रिटिक्स को। ठीक है, इसीलिए किसी का भी कलेक्शंस प्रेडिक्शंस सही नहीं आ रहा है बागी 2, क्योंकि सबके सब एक्सपर्ट बने हुए बैठे हैं। सबके सब सोचते हैं कि भैया मल्टीप्लेक्सेस के जो भी है रिस्पांस आ गए, बस यही कलेक्शंस होगा। पहले दिन की अगर बात करूं, पहले दिन 17-18 करोड़ तक की बात की जा रही थी, लेकिन अचानक फिल्म का कलेक्शन जब 25 करोड़ आया, मैंने भी सर पे मेरे हाथ फिरने लगे, भैया ऐसा कैसे हो गया। लेकिन यही रीजन है कि भैया कलेक्शंस पता नहीं चले। तो अपन तरह से पहले दिन का भी किसी को, मेरा भी खुद का प्रेडिक्शंस रॉन्ग हुआ, दूसरे दिन का भी लगभग लगभग रॉन्ग होने वाला, क्योंकि 20 करोड़ के कलेक्शंस बताए जा रहे हैं। दूसरे दिन के कलेक्शन जैसे आएंगे मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ कि सिंगल स्क्रीन्स में अगर आपका दम है, सिंगल स्क्रीन्स के अगर आप राजा हो, तो आपकी फिल्म कभी फ्लॉप नहीं होगी। टाइगर जिंदा ही तेरी बड़ी हिट हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लेक्स में चली, सिंगल स्क्रीन की ऑडियंस ने भैया बार बार जाके फिल्म देखी है। जितनी डाई हार्ड ऑडियंस शहरों में है, उससे दुगनी ज्यादा मैं कहता हूँ इन गांव शहरों, गांव छोटे छोटे शहरों में है, जहाँ आपके लोग फैंस है। और बागी 2 को इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर ऑफकोर्स होने वाली है, वो इतनी बड़ी मैं तो हिट ही कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी दो दिन में 45 करोड़ के ऊपर जाएगी, तीन दिन में 70 करोड़ के आसपास चली जाएगी। तो इतनी बड़ी हिट जो बनेगी बागी 2, सिर्फ मासेस के ऑडियंस की, यानी कि लोग वेट करें इस तरह की फिल्मों का, एक्शन फिल्मों का, यानी कि जिस तरह से टाइगर जिंदा है ने धमाल मचाया था, भले ही उतने उस लेवल पर ना जा पाए, लेकिन टाइगर श्रॉफ के हिसाब से भी ये अपने फिल्म बागी 2 के जरिए बहुत बड़ा धमाल मचा रहे हैं। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भैया ये कलेक्शंस के प्रेडिक्शंस रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही सुबह 11-12 बज के ट्रेड रिपोर्ट्स आ गए, उसके बाद सभी ने अपना अपना चेंज कर दिया, हमको लगता है कि 25 करोड़ करेगी, हमको लगता है 26 करोड़ करेगी। तो भैया ये होता है, ठीक है। तो हर कोई एक्सपर्ट्स है, हर कोई अपनी अपनी राय चेंज करता रहता है। तो मोस्टली जो भी जिनकी भी राय आती है कलेक्शंस को लेकर, मोस्टली मल्टीप्लेक्सेस के किस तरह से बिजनेस करी फिर उसके ऊपर राय आती है। सिंगल स्क्रीन्स का अभी तक कितने मास ऑडियंस किसी को नहीं बता। एक और चीज़ बता दो, इंडिया में बहुत कम थिएटर्स है ऑडियंस के हिसाब से, ऑडियंस के एवरेज रेशियो के हिसाब से। थिएटर ज़्यादा होगा और स्मॉल सिटीज तक फिल्म रिलीज होगी, मतलब छोटे छोटे गाँव कस्बों में, तो देखना फिल्म इतनी इंडिया में कितनी बढ़िया कमाल करती। क्योंकि आप सोचिए, 130 या 135 करोड़ आबादी वाले देश में कलेक्शन सिर्फ 150 करोड़, ज्यादा से 200 करोड़, 250-300 करोड़ ही आता। क्यों? कि हमारे पास उतने चीजें नहीं है और टिकट पैसे बहुत महंगे हैं, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करते हैं। एनीवेज, वीडियो को ज्यादा बयान नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे क्यों आखिर कलेक्शन प्रेडिक्शन बड़े से बड़े क्रिटिक का रॉन्ग हुआ था पहले दिन, और दूसरे दिन में मैं कहता हूँ गलत आएगा। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।